आज हम बना रहे हैं चावल है और दाल। आज जो हम दाल बना रहे हैं तो अलग तरीके से बना रहे हैं, इसको पानी में भिगो के छोड़ेंगे। अभी हम लहसुन छिलेंगे। मिर्ची कूटेंगे, फिर हम लहसुन आप लोगों को बता रहे हैं जैसे किस तरीके से बना रहे हैं। तो सालन और चावल बनाएंगे तो दाल और चावल। अभी हम ये लहसुन इसको कूट रहे हैं। जो मैं बनाती हूँ तरीके से, हमारे सिंधी लोग हैं तो हम ऐसे ही बनाते हैं, तो आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, सबका अलग अलग तरीका होगा। तो अभी हम ऑयल इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम आप लोग परेशान हो गए तो कैसे क्या बना रही है, तो आज मैं कच्ची दाल बना रही हूँ। और उसे पानी में उबालता है, अभी कच्ची मैंने पानी उसा दिया था। अच्छा, जो ये चावल थे यही हम डुबोल रहे हैं पानी में, छुटा के रखेंगे। तो अभी ये दाल है हमारी। लहसुन तैयार हो गए, इसको तो प्याज का ही देता है तो हम लोग लहसुन का देते हैं। ये अभी हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची अपने हिसाब से। हम दाल से पानी निकालेंगे। तो आज हम बना रहे हैं कच्ची दाल है, देखें मैंने सिर्फ पानी में बोला था। अभी हम नमक डाल रहे हैं इसमें, मसाला भी थोड़ा सा डालेंगे, इतना ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी डालेंगे। तो हम डाल और एक चीज है तो हम इसमें डालेंगे तो परेशान हो गए तो प्याज से सही, फिर आखिरी टाइम में इसमें डालेंगे। तो अभी जो खाने में आएगा ना टेस्ट देगा उसके लिए। तो अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, एक कप पानी का डालेंगे जो इसमें, और इतना ज्यादा नहीं डालेंगे, एक कप पानी का डालेंगे इसमें, तो ये अच्छी तरह से पक जाए। लूंगी तो और बताऊंगी क्या और डालेंगे। तो अभी जो ये मैं उखली में ये एक मिर्च था और धनिया और पुदीना मैंने डाला, ये रायता एक बनाएंगे तो चावल के साथ बहुत ही अच्छा होता है रायता। रायता रायता देखिए, तो आटा है तो मैंने थोड़ा सा लिया लेस के लिए जो सालन में,
अच्छा दाल में अच्छा होता है ये दाल, ये लस्सी का रबड़ा होता है उसमें हम तो डालते हैं आटा का लेस। आखिरी टाइम है जो हम सालन हमारा तैयार हो गया, ये देख के अभी हम डालेंगे तो धनिया और पुदीना मैंने कटे थे वो। अभी मैंने ये चावलों के लिए पानी डाला, चावल पका रहे हैं तो दाल और चावल आज बना रहे हैं तो हम करें मैंने। हम डाल रहे हैं चावल, नमक, अभी मैं नमक इसमें डाला है। आपका दाल और चावल बनाने का अपना तरीका होगा तो मेरा अपना तरीका है, सब लोगों का अपना तरीका होता है चावल और दाल कैसे बना रहे हैं। तो अभी हमारे चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो ये चावल हमारे देख सकते हैं आप, चावल रेडी हो चुके हैं। दाल पहले ही हमने आपको दाल की रेसिपी बताई किस तरीके से बनाए जाते, तो चावल भी हमारे ये बन चुके हैं। अब ये देखें क्योंकि हम तो इसी तरीके से बनाते हैं मगर आप तो पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, ये देखें इस तरीके से। और दाल का भी सालन बन चुका है और इस तरफ एक तरफ तो ये चावल भी बन चुके हैं। और दाल चावल की आज रेसिपी हमने बस बनाई है, उम्मीद करते हैं जो देखने वालों को दाल चावल की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखें, ओहो हो, ये देखें मज़ा ही अपना है। ओहो, और ये रायता है, ये रायता देखें जो हमने कूट रहा था उखली में, वो रायता भी हमारा रेडी हो चुका है, दोनों चीज़ें। और अभी चाय का टाइम भी है और चाय भी लगा दी है हमने। तो अभी चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद करते हैं मेरे बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर अपना राय दें कि वीडियो हमारी